दुर्ग की बात करेंगे, जहां गौवंश पर लगातार हुए हमले और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठी चार्ज को लेकर हिंदू युवा मंच और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। इधर दुर्ग पुलिस ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखने बैरिकेड्स लगाकर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर रखा था। आपको बता दें कि कोतवाली के गिरधारी नगर में एक स्ट्रीट डॉग किसी जगह से बछड़े का कटा सर लेकर पहुंच गया था। एएसपी सुखनंदन राठौर का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और बछड़े के सर को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। मामला सिद्ध होने पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ९० प्रतिशत से ऊपर छत्तीसगढ़ में हिंदू रहते हैं, ९० प्रतिशत हिंदुओं के रहते शांत छत्तीसगढ़ में। जब बोला जाता है कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, जहाँ का स्टैंडर्ड कोड है, वहाँ पर वहाँ की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास कुत्सित तत्वों द्वारा किया जा रहा है। और कल जब गाय के बछड़े का सिर मिला, उस बछड़े के सर को लेकर पुलिस ने भी बरामद नहीं किया। भी हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। पूर्व उन्होंने सूचना दिया था कि कल जो विषय हुआ था उसको लेकर के हम अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसी कड़ी में आकर के एसडीएम महोदय को इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है।